देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने कहा था ना मुझसे, बच्चे के लिए लड़ते हुए माता पिता का होना माता पिता के होने से ज्यादा बुरा होता है। हम प्यार से ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या कह रही थी तुम? मोहन जी तो हमारे पति परमेश्वर है, हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। 7 जन्म वो क्या रहा था? मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। चुप रहो तुम। रुदालिया जितना नहीं रोई ना, उससे ज्यादा रुलाऊंगी मैं तुम्हें। और अगर ऐसा ना कर पाई ना, तो मेरा भी नाम दामिनी नहीं। तू और रोहमी की बम्बा से मोहन, जो लोग दूसरों को मारते हैं वो गुड नहीं बैड होते हैं, इसलिए ये आज से पापा नहीं मोहन। दूसरों को हर्ट करते हो, फिर उन्हें पेन देते हो, फिर मार देते हो, जो किल दैट, जैसे तुमने मेरी मम्मा को मारा था। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी मां को मारा है? जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। आज मेरी बेटी ने मुझे मोहन बुलाया है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विलन हूं। और लगेगी भी ना, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना दिया है। तुम्हारी वजह से उसे लगता है कि मैं विलन हूं, क्योंकि तुम तो छोड़कर चली गई ना, और जाते जाते अपना खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा गई तुम। मैं क्या करती मोहन, मैं बहुत मजबूर थी। अगर मेरे बस में होता ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती थी। लेकिन पता है, तुम्हारे जाने के बाद ना गुनगुन और मेरा रिश्ता खराब हो गया था, लेकिन उस लड़का ने आके उस खराब रिश्ते को बर्बाद कर दिया। नफरत कर दी मेरी बेटी और मुझसे। नफरत, नफरत, मौन! मौन, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। नफरत कर दी मेरी बेटी मुझसे। क्यों, क्या किया है मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? पता है, ऐसे निकल जाते हैं खुशी मिलने में, और जब खुशियां नसीब होने ही वाली होती है ना, तो कोई सलाह कर उसे छीन कर चला जाता है। पहली बार जब गुनगुन ने मुझे पापा बुलाया था ना, पापा, पापा प्लीज उठो पापा, मैं इतना खुश था कि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे संभालू अपनी खुशियों को। लेकिन भगवान ने मुझे खुशी संभालने का मौका दिया ही नहीं ना, छीन ली सारी खुशी, ले गए अपने साथ। मैं फिर पापा से मोहन बन गया, फिर से खूनी बन गया, फिर से बुरा आदमी बन गया। और ये सब उस राधा की वजह से हुआ है, राधा की वजह से गुनगुन मुझसे नफरत करती है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे, कभी नहीं। मुझे लगा था राधा अपने प्यार से मोहन के दिल में जगह बना लेगी, मोहन के पास आ जाएगी, लेकिन इनका रिश्ता तो दिन ब दिन और खराब होते जा रहा।
आज ना आपको अपने पापा से ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलिए उनसे माफी मांग। मैं मोहन को सॉरी नहीं बोलूंगी। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोहन से लव करती हो। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मामा सही कह रहे थे, मोहन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर मोहन केस जीत गया तो राधा को तुम हमेशा के लिए खो दोगे, और फिर मोहन वही करेगा जो उसने तुम्हारी मम्मी के साथ किया था, वो मार देगा राधा को। वो तुम्हें हर्ट भी कर सकता है और तुम मुझे छोड़ के भी जा सकती हो। गुनगुन ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे बेटा। हे बाके बिहारी जी, वहां मोहन खुद को सजा दे रहा है और यहाँ पे ये दोनों रो रही है, कैसे सब एक साथ जुड़ेंगे? और गुनगुन आप भी किन की बातों पर भरोसा कर रही हैं? अपने उन मामाओं की? याद है ना आपको कि कैसे उन्होंने अगवा किया था आपको? चलना तो पड़ेगा। जबरदस्ती तो हमसे हमारे पापा भी नहीं कर सकते। गुनगुन आपके पापा तो किसी को चोट ही नहीं पहुंचा सकते। पर उसने तुम्हें तो चोट पहुंचाई है ना राधा, तुम मोहन के साथ सेफ नहीं हो, नहीं हो। हमें कुछ भी नहीं होगा, मोहन जी हमें कुछ भी नहीं करेंगे। गुनगुन आजकल ना बहुत टीवी देखने लगी है, पर चलिए हम ही आपको एक शो बताते हैं, लग जा गले। लग जा गले? हाँ, ये शिव और ईशानी की कहानी है जो बिल्कुल ना आपके पापा और हमारी तरह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और छोटी छोटी बातों पे ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं। इसका मतलब क्या? क्या? यही ये छोटी मोटी नोकझोंक होना ना प्यार में बहुत जरूरी है, जैसे आपके पापा और हमारे बीच होती है। और ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक के वजह से ही ना इंसान एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। गुनगुन, चाहे दो इंसान एक दूसरे से कितना भी अलग क्यों ना हो, प्यार उन्हें साथ में रहना सिखाई देता है। देखना आपके पापा को भी सिखा देगा, जैसे शिव और ईशानी को सिखा दिया। ये लोग कितना लड़ते झगड़ते हैं, पर ये दोनों मिलेंगे कैसे, ये जानने के लिए तो देखना होगा लग जा गले। पर ये आता कब है? सोमवार से रविवार हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अच्छा चलिए अब ये सारी बातों को ना छोड़िए, भूल जाइए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, चलिए थोड़ा सो जाइए। आइए को, मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे चांद तारों को। इतने मुश्किल से मुझे अपनी न्यू मम्मा मिली और आप सब लोग राधा के साथ बैड बैड चीजें कर रहे हो। तुमने मेरी राधा को मारा, हाउ डेयर यू। चांद तारों को।
हिबा के प्यारे जी, गुनगुन तो सो गई। तुलसी चाची, आप जब गुनगुन के पास हैं तो हम जरा मोहन जी को देख कर आते हैं। हाँ राधा, जाओ जाकर संभालो उसे। जाते हैं तुलसी चाची, गुनगुन का ध्यान रखिएगा। हे प्रभु, ना घी डाला ना मिट्टी का तेल, फिर भी मोहन और राधा के रिश्ते के बीच में आग लग गई। बिटिया, हमें तो लगता है कि इस वक्त सारे ग्रह नक्षत्र हमारा फायदा कराने में ही लगे हुए हैं। अगर ग्रह नक्षत्र हमारे साथ होते ना मम्मा, तो आज मोहन की शादी मुझसे हो गई होती, राधा से नहीं। आज राधा और मोहन की जो लड़ाई हुई है ना, उसके बाद तो राधा को मौका ही नहीं मिलेगा तिजोरी खोलने का। और इससे पहले कि राधा उस तिजोरी तक पहुंचे ना, मैं तिजोरी में से वो सबूत निकाल लूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आज रात को ही मैं वो सबूत निकाल लूंगी। चलो कैसे मोहन जी से बात करें? आज जितनी पीड़ा मोहन जी को हुई है, उसके बाद हमें तो देखकर ही वो चिढ़ जाएंगे, पर बात तो करनी होगी। उसे मुझसे छीन करना, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है राधा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर नफरत से बढ़कर भी कोई फीलिंग होती है ना, तो सच बताओ ना, तो आज मैं वो फील कर रहा हूं तुम्हारे लिए। छूना मत मुझे। मोहन जी देखिए, बहुत खून निकल रहा है। ये खून नहीं है, ये वो नफरत है जो तुमने गुनगुन के दिल में मेरे लिए भर दी। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा राधा। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मोहन जी समझ रहे, पर इस छोड़ो छोड़ो मेरे हाथ। मोहन जी देखिए मोहन, अरे मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, तुम हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम बस करिए मोहन जी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे हम आपको? क्या जबरदस्ती कर रही हो, ऊपर से चिल्ला भी रही हो? जब बच्चे जिद करते हैं ना, उन्हें ऐसे ही डांट के समझाया जाता है। और आज आप किसी बच्चे से कम नखरे नहीं कर रहे मोहन जी, तो अब चुप रहिए और हमें मरहम पट्टी करने दीजिए। अच्छा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला? मानेंगे, आपको माननी ही होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि गुनगुन हमें ऐसे ही लड़ते झगड़ते देखे, हम एक दूसरे पर आरोप डालते हुए देखे, और फिर डर कर आपसे आकर झगड़े, तो चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए, पर हम तो कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपकी मरहम पट्टी नहीं कर देते। दीवार पर ऐसे मुक्का मारने से क्या समस्या का हल निकल जाता है मोहन जी? पर इतनी सी बात अगर आप समझते तब ना। जिसे मारना होता ना, अगर उसे मार देता तो मुझसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होता। चाहे गुनगुन मेरे बारे में कुछ भी सोचे ना, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता।
यही रुकिए, हम अभी है। चोट लगी है तो थोड़ी तो पीड़ा होगी ना, और अगर पीड़ा बर्दाश्त नहीं आपको, फिर अपने आपको चोट क्यों पहुंचाई? अपना प्रवचन देना बंद करोगी तुम? मुझे आपके बच्चे हैं, हाथ दीजिए अपना। अरे नहीं लगवानी मुझे कोई दवाई है। आप हाथ दे रहे हैं कि हम गुनगुन को बुलाएं? धमकी दे रही हूँ तुम, बुला लो गुनगुन। ओके फाइन। तू ही मेरी मंजिल है, तू ही रह गुजर है, मेरा ही हो तेरी, तू मेरा सफर है। मोहन जी, लड़ाई आपकी और हमारी है, तो इसे हमारे बीच में ही रहने दीजिए ना। गुनगुन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो छोटी बच्ची है और बाकी बच्चों की तरह वो भी अपने माता पिता को खुश देखना चाहती है, एक साथ देखना चाहती है। वो देख क्या रही है? लड़ते झगड़ते एक दूसरे पर आरोप डालते। मोहन जी, ये तो माता पिता ना होने से भी बुरा है ना। हम जानते हैं कि आप और हम दोनों एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं, पर ये जरूरी तो नहीं ना कि हम अपने इस बुरे समय में गुनगुन को भी हिस्सा बना लें। जा रहा था, कहाँ जा रही तुम? वो हम गुनगुन के कमरे में जा रहे हैं, आज आपको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए साथ में बाकी बिहारी जी को भी ले जा रहे हैं। आज आप अकेले ही आराम कर लीजिए। मेरे घट रहा था, तुमने तो खुद ही मेरा रास्ता साफ कर दिया। आज रात तुम और मोहन साथ में नहीं रहोगे, तुमसे चाबियां लेना भी मेरे लिए इजी हो जाएगा। तुमने कहा था ना मुझसे कि बच्चे के लिए लड़ते हुए माता पिता का होना माता पिता के होने से ज्यादा बुरा होता है। तो तुम कहीं नहीं जाओगी, आज हम प्यार से ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।